डेट्स, हिस्ट्री में डेट्स मैम, इसीलिए हमसे हिस्ट्री होती ही नहीं है क्योंकि इसमें डेट्स होते हैं। इतनी डेट्स, इतना लर्न करना पड़ेगा, इतना सब कुछ होगा, कहाँ से कैसे कौन सी डेट, कब कौन सा इवेंट हुआ, कब कौन सा हो गया पास्ट के अंदर में, वो हमें कैसे पता लगेगा। हम तो भूल ही जाते हैं मैम डेट्स को याद करते टाइम, हमें तो पता ही नहीं है ये AD BC ये क्या कॉमन एरा, ये क्या है, मतलब ये BC क्या है, ये सारा हमें पता ही नहीं है। तो बेटा आज हम वही पढ़ने वाले हैं और हम आज उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। मुझे पता है मैं आपको अच्छे समझाऊंगी और आप अच्छे से समझ भी जाओगे, एंड आई नो दैट। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू स्टडी क्लब 24x7। और आज बच्चों हम हिस्ट्री के वो डेट्स के बारे में आपको बताऊंगी कि ये BC और ये AD ये होता क्या है, ठीक है? मुझे पता है अच्छे समझ आ जाएगा आपको। ओके, तो पहले मुझे ना, ओहो ये लाइनें गंदी बन गई। अच्छा तो पहले ना बेटा मैं आपको आज समझाने वाली हूँ किसके बारे में, आपका टॉपिक ही क्या है कि ये BC और AD होता क्या है, ठीक है? हमने बहुत बार नाम सुना ये BC, ठीक है, और हम AD बोल रहे हैं, है ना, और हम बोल रहे हैं ये BCE, है ना, और क्या आता है, और ये और ऐसे कुछ CE, यस, है ना, इस टाइप के हमने बहुत सारे नाम सुने हैं। ये नाम, ये कुछ वर्ड्स, ये कुछ टर्म्स सुने, अब इसका मतलब क्या है, ये सारा ना बेटा हम आज अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। मुझे पता है आपको जल्दी समझ आ जाएगा। अब क्या हुआ था बेटा, जीसस क्राइस्ट जो थे ना, जीसस क्राइस्ट के बारे में तो सब जानते हैं, ठीक है, भगवान जी तो हैं वो, ठीक है। अब क्या हुआ, मान लो उनका ना जिस दिन जिस टाइम पे बर्थ हुआ, ठीक है, अब ये क्या है, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। अब इनकी बर्थ से पहले बेटा जितने भी इवेंट्स हुए ना, जितने भी इवेंट्स हुए उनके साथ में ना हम क्या लगा देंगे, उनके साथ में हम लगा देंगे BC या फिर BCE। अब आप बोलोगे मैम हमें कैसे पता लगेगा कब कहाँ पे BC लगाना है, कब कहाँ पे BCE लगाना है, मुझे पता है, पर बेटा दोनों ही एक ही बात है, कोई इसमें चेंज ही नहीं है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट की बर्थ से पहले, अच्छा सबको आफ्टर बिफोर तो पता है ना, मुझे पता है सबको, ठीक है। बिफोर मतलब जो भी इवेंट्स पहले हुए हैं वो हमारा बिफोर हो जाएगा, और जो इवेंट्स बाद में वहाँ पे आफ्टर लग जाएगा, ठीक है, सिंपल बात है, ओके। अब ये जो ये वाला टाइम पीरियड, मान लो कि इस वाले टाइम पीरियड से क्या हुआ, जीसस क्राइस्ट की बर्थ हुआ, इससे पहले जितने भी इवेंट्स हुए उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम BC से डिनोट करेंगे और या फिर BCE से डिनोट करेंगे। आप BC लगा लो, BCE लगा लो, बात एक ही है, कोई वैसे अलग कुछ डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैम ये फुल फॉर्म तो बता दो इसकी, बता रही हूँ, ठीक है। BC का मतलब क्या होता है, BC इज बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज BCE, अब क्या बोलने वाले हो, BCE बिफोर क्राइस्ट एरा, ऐसा कुछ, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। तो ये BCE का क्या हो गया, बिफोर कॉमन एरा, सिंपल। तो जो भी बर्थ जीसस क्राइस्ट की बर्थ से पहले जितने भी इवेंट्स हुए हैं वो सारे को आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो BC या फिर BCE से डिनोट करते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 1 BCE, BC बोल रहा है BCE, फिर उसके बाद में 2 BCE, फिर उसके बाद में 3 BCE, ऐसे ऐसे करके बेटा चलता जाता है आगे तक में, ठीक है। उसके बाद में अब जीसस क्राइस्ट की डेथ के बाद में जितने जो भी इवेंट्स हुए ना उनको आप किससे डिनोट करोगे, या तो AD से या फिर आप उसको CE से। मैम AD की फुल फॉर्म ना मुझे पता है, तुम लोगों को पता है क्या, आफ्टर दैट, है ना, आफ्टर दैट ही है ना। नहीं बेटा, बहुत बहुत सारे बच्चे, सब लोग ना इस चीज़ को गलत समझते हैं, AD मतलब क्या होता है, आफ्टर दैट। अरे नहीं भाई, अभी तो उनका जन्म हुआ है, उसके बाद में इवेंट्स हुए, एकदम से मर जाएंगे जन्म होते ही, मर सकते हैं पर वो मरे नहीं ना, ठीक है। तो बेसिकली जो AD जो है ना, वो AD का मतलब क्या होता है, एनो डोमिनी। क्या बोल दिया मैम, समझ ही नहीं आ रहा ये तो, एनो डोमिनी का मतलब क्या होता है बेटा, एनो डोमिनी का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, ठीक है, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, AD की फुल फॉर्म हो गई। अब मैम क्या हम CE लिख सकते हैं, भाई क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हो, CE का मतलब क्या होता है, कॉमन एरा, सिंपल, यहां से स्टार्ट होगा 1 AD, ठीक है, 2 AD,
फिर उसके बाद में 3 AD आ जाएगा, या फिर आप 1 CE लिख लो, 2 CE लिख लो, या 3 CE लिख लो, ऐसे करके आ जाएगा पूरा का पूरा टाइम पीरियड। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा टाइम पीरियड है। अब तो मुझे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी ना, यानी कि अगर मैं बोलूँ 1, 2, 3, 4 BC, ठीक है, BCE बोलूँ, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले इतने टाइम पीरियड पहले, ठीक है। ये बेटा मैंने आपको एग्जांपल दिया है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको ये समझ आ गया है, मुझे पता है आपको ये समझ आ गया है। ठीक है, तो बच्चे हम क्या देख रहे थे, हम ये देख रहे थे कि मैंने आपको बता दिया जीसस क्राइस्ट की बर्थ से पहले जो भी इवेंट्स हुए होंगे उनको आप BC बोलोगे या फिर BCE बोलोगे। जीसस क्राइस्ट की डेथ, जीसस क्राइस्ट की बर्थ के बाद में जितने भी इवेंट्स हुए होंगे उनको आप AD से डिनोट करोगे, और उस AD को आप क्या बोलोगे, आफ्टर दैट, नहीं बेटा, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब क्या होता है, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। ठीक है, सिंपल है, बहुत ईजी है ये, बस ख़त्म हो गया, इतना ही पढ़ना था हमें आज। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड डू कॉमेंट ऑन दिस। आपको कोई भी डाउट या कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप और वीडियोज़ भी देख सकते हो। हिस्ट्री की हमने, हिस्ट्री का हमारी प्लेलिस्ट स्टार्ट हो गया बेटा, आप उसके अंदर में देखो, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और डाउट यू कैन कॉमेंट ऑन दैट, यू विल गेट द रिप्लाई बैक वेरी सून। थैंक यू।